देवास जिले के हाटपिपलिया विधानसभा के उपचुनाव का प्रचार आखिरी चरणों में है। दोनों दल के प्रत्याशी पूरा दमखल लगाते नजर आ रहे हैं, जनसंपर्क कर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। हर गांव में जनसंपर्क कर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान की अपील की जा रही है। मंगलवार को हाटपिपलिया विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल ने कांझर सेक्टर के डिगोद, भिल आमला, अवरा सानी, लक्ष्मीपुरा, खेड़ा आदि गांव में संपर्क किया, जहां ग्रामीणों ने उनका स्वागत भी किया। कांग्रेस इस बार कांझर सेक्टर में सेध लगाने के प्रयास में है तो भाजपा पिछड़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रत्याशी बघेल ने क्षेत्र की जनता से कहा कि 2018 विधानसभा में कांझर सेक्टर की जनता ने मनोज चौधरी को प्रचंड बहुमत से जिताया था और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन चौधरी ने हाटपिपलिया विधानसभा की जनता और पार्टी के साथ गद्दारी की है। यह सही समय है जिस पर क्षेत्र की जनता अब चौधरी को सबक सिखाए। भील आमला में दूर दूर स्थित सभी घरों तक बघेल ने ग्रामीणों से संपर्क किया तो अवरा सानी में खाट चौपाल की। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। विधानसभा का जो दौर चल रहा है, जो अंतिम चरण पर अब नजर आ रहा है, और आपने भी पूरी विधानसभा का भ्रमण किया है, जनसंपर्क किया है, तो क्या फीडबैक मिल रहा है और क्या अभी स्थिति है? देखिए, आम जनता के साथ जो धोखा हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार चुनी हुई थी, जिस सरकार को जनता ने मैंडेट दिया था, कांग्रेस को जनता ने चुन के भेजा था, वो चुनी हुई सरकार को एक गलत तरीके से, नाजायज तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हटाया है। 22 विधायकों को खरीद के, 22 विधायकों के साथ सौदेबाजी करके ये सरकार को गिराई है। अब जनता ने स्वाभाविक है, जिसको चुना था आप उसको गलत तरीके से हटा रहे, जनता में आक्रोश तो रह गई। कांग्रेस को मैंडेट दिया, आप जनता पार्टी शासन कर रही है, जो लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या हुई है, इसलिए आम जनता में इसका बड़ा आक्रोश है और जनता इसका जवाब निश्चित तौर पे इस विधानसभा चुनाव में देगी सरकार को। भाजपा प्रत्याशी के द्वारा लगातार हाटपिपलिया विधानसभा में बड़ी सभाएं कराई जा रही है, रोड शो कराए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सिर्फ एक पूर्व मुख्यमंत्री जी की सभा ही हुई है। ये सब अपने अपने चुनाव के तरीके हैं। भाजपा को अपनी जमीन खसकती हुई नजर आ रही है, तो रोड शो भी कर रही है। मुख्यमंत्री चार चार बार आके चले गए, छोटे छोटे गांव घूम रहे हैं। सिंधिया चार चार बार आके चले गए हैं। सिंधिया ने तो उनसे एक सभा लेना उनकी मुश्किल होती थी, आज छोटे छोटे गांव में, आज भी उनकी सिंगावदा में सभा है, तो छोटी छोटी जगह पे आ रहा है। निश्चित तौर पर उनको उनकी जमीन खसकती हुई लग रही है, इसलिए वो ऐसी कोशिशें कर रहे हैं और उस कोशिश में वो निश्चित तौर पर नाकाम होंगे। को जो मतदान होना है वहाँ पर, उसमें क्षेत्र की जनता आपको आशीर्वाद देगी? 100% क्षेत्र की जनता हमको आशीर्वाद देगी, कि पहले भी कांग्रेस को मदद करी थी। डबल आक्रोश जनता में इसलिए है कि उन्होंने जिसको चुन के भेजा था उसने उनके साथ ऐसा धोखा करा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।